नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां से मुखिया आते हैं, जिला परिषद आते हैं, और मुखिया की बात कर रहे हैं जहां पर मुखिया की पावर को सीरीज कर दी गई थी, यानी कि 15 लाख से ऊपर का जो भी टेंडर, यानी कि जो भी रकम होगी, जो रकम से योजना का जो पास होगा उसको टेंडर के माध्यम से काम किया जाएगा, यानी कि पंचायत में विकास किया जाएगा। लेकिन पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बैठक की है और बैठक के बाद कहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास इसका प्रस्ताव को भेजा गया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में दो मेहमान हैं। हमारे ठीक बगल में बात करेंगे तो वीरेंद्र राय जी है, जो जन सुराज पार्टी से किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे तो पूर्व मुखिया है मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह और पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले वीरेंद्र राय जी, आपसे ही बात करेंगे, लेकिन आप मुखिया है, जिस प्रकार से ये नया समीकरण निकल कर सामने आया था, टेंडर की प्रक्रिया निकल कर सामने आई, तो पंचायत में मुखिया भी रह चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार के प्रति बहुत बहुत आभार अभिनंदन। समाज के सभी मौजूद विषयों को लेकर जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल कटिबद्ध है, प्रयासरत है, जागरूकता के दिशा में जो काम हो रहा है इस चैनल के द्वारा, हम आभारी हैं इस काम के। सबसे पहले देखिए, पंचायती राज की जहाँ तक बात है, कहाँ से शुरू करें। पंचायती राज व्यवस्था सरकार का एक सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा लूटने का एक संस्था बन के रह गया है। कहने के लिए वहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित व्यवस्था हैं, लेकिन सरकार धन आवंटित करती है और फिर भ्रष्टाचार के जरिए, पदाधिकारियों के जरिए वो धन कैसे सरकार प्राप्त कर लेती है, उसी का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। और ये जो टेंडर का सिस्टम है, पंचायती राज में प्रावधान है एक्ट में कि आम सभा से योजनाएं पारित होगी, जो काम होगा उसका आय व्यय आम सभा में और कार्यकारिणी में दिया जाएगा, इसके बदले वहाँ पंचायत सेवक ठेकेदारी करते हैं और कमीशन में बंदरबांट होता है, और जो काम होता है वो सड़कें और विकास 2-3 महीना में टूट के समाप्त हो जाता है। तो जब इस पर बहुत सारा सवाल उठने लगा तो सरकार ने अपना चेहरा बचाने के लिए एक व्यवस्था किया कि हम इसको टेंडर सिस्टम करते हैं। टेंडर सिस्टम का जैसे ही खबर प्रकाशित हुआ तो जो लूट तंत्र में जो लोग पहले से शामिल थे वो तमाम लोग कमर कस लिए कि टेंडर सिस्टम होगा तो हम लोग सरकार का खिलाफ करेंगे। मतलब क्या कि हम लोग सरकार के विपक्ष में चले जाएंगे, वोट हम लोग विरोध में देंगे। सरकार डर गई और फिर उस भ्रष्टाचार की छूट दे दी। आप पंचायत से लेकर जिला परिषद तक देखिए क्या स्थिति है, ईमानदारी से सब लोग जानता है, चाहे वो जिला के कप्तान हो, चाहे वो प्रखंड के बीडीओ हो, सब लोग जानता है कि पंचायत के काम में 40% से 55% तक कमीशन वसूला जाता है। जो जांच होती है पंचायत के काम में वो सिर्फ कागजी खाना पूरी होती है। तो ऐसे में टेंडर से काम हो या बिना टेंडर के काम हो, पैसा को लूट लेना है, और लूट के खासकर बिहार में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी आमदनी क्या है, उनकी आमदनी इसी से है कि वो विकास की राशि आवंटित करते हैं और विकास की राशि से कमीशन लेके अपना दल चलाते हैं। तो वही एक कहानी है। आपने भ्रष्टाचार की बात की है, आप भी मुखिया रह चुके हैं, जिला परिषद रह चुके हैं, तो क्या आपके राज में भ्रष्टाचार हुआ है? मेरे राज में मैं ग्राम पंचायत राज मनिका हरिकेश का मुखिया था और जिला परिषद मुसहरी क्षेत्र संख्या 31 का जिला परिषद था। मेरे राज में क्या भ्रष्टाचार मेरे स्तर से हुआ वो मेरी जनता भी जानती है, और बानगी के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब जिला परिषद में निर्वाचित होके आया था तो 2001 से 2024 के बीच में, अपने बराई में नहीं कर रहा, लेकिन मैं अकेला जिला परिषद था कि जो मैंने जिला परिषद के खरोद फरोख्त के खिलाफ सड़क पर संघर्ष किया था, सड़क पर अकेले संघर्ष किया था कि जो जिला परिषद का गठन हो रहा है वो बिल्कुल अवैध और गलत तरीके से हो रहा है। चलिए आपको दोबारा आएंगे, सबसे पहले वीरेंद्र राय जी से जानेंगे, आप तो पंचायत क्षेत्र से ही आते हैं, जिस प्रकार से जो नया नियम आया था फिर उस नियम पे पुनर्विचार करने की बात चल रही है,
नमस्कार फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को। जहाँ तक पंचायती राज का सवाल है, मुक्तेश्वर भाई ने बेवाक कहा है और निश्चित रूप से लूट तंत्र का एक अड्डा हो गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज। और पंचायती राज की योजनाएं जो चलती है सरकारी आदमी के नाम से, सरकारी जो जनसेवक है, ग्राम सेवक है, पंचायत सेवक है, उसके नाम से योजना का ठेकेदारी होता है और वह भी आदमी स्वयं नहीं कराता है। उस गांव का एक दमंग दलाल को खोज के मोटी रकम लेके वो काम मुखिया जी के द्वारा जो चुना हुआ दलाल होता है उसको ये बेच देता है मोटी रकम लेके। फिर मुखिया जी और वो दलाल मिलके उसको चूसते हैं हड्डी को और लास्ट में जनता को मिलता क्या है, सड़क तो बन जाती है लेकिन दो महीना में सड़क उखड़ने लगती है। कमोबेश यही हाल नगर पंचायत का है। हम नगर पंचायत मुरौल में हैं, हम लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे दो नंबर वार्ड में रोड बना और 15 दिन में रोड उखड़ गया। हमने जब इस लड़ाई को लड़ने का काम किया तो वहाँ के दलाल और उस काम में जितने संलग्न लोग हैं, पार्षद और मुखिया तमाम लोग, हम पर एक अनुसूचित जाति के वार्ड पार्षद से अनुसूचित जाति का मामला बना के केस करवाए कि ये ट्रैक्टर चढ़वा दिए और ट्रैक्टर से तोड़वा दिए। इस तरह का घटना है जिसके कारण लोग दब जाता है, लेकिन हम लोग जैसा आदमी दबने वाला नहीं है। जहाँ तक पंचायती राज और गाँव के विकास का सवाल है, सड़कें आरियो बना रही है, सड़कें ग्रामीण सड़क ब्लॉक बना रहा है, पंचायत समिति के द्वारा बन रहा है, मुखिया जी के द्वारा बन रहा है, विधायक जी के द्वारा बन रहा है, एमपी साहब के द्वारा बन रहा है, राज्यसभा के सदस्य और एमएलसी के द्वारा बन रहा है। गांव की सड़कें बना तो सब रहे हैं, काम सब लोग कर रहा है, लेकिन गाँव की जनता सही सड़क पर चल नहीं रही है। हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। गरीब आदमी का साइकिल का टायर ट्यूब फट जाता है प्रतिदिन, मोटरसाइकिल पर लोग गिर के डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, सारा ग्रामीण सड़क टूट जाता है बनाने के 6 महीना के बाद। इसका मुख्य कारण है कि 55% 57% 58% 60% तक कमीशन वसूला जाता है। आपका पंचायती राज जब से हुआ, जीएसटी का मामला लेके 10% वो ले लेता है, 10% इंजीनियर लोग ले लेता है, 20% एमपी एमएलए मुखिया एमएलसी जिसका फंड होता है वो ले लेता है, और 7 से 8% ब्लॉक का वीडियो लेता है, ब्लॉक का कर्मचारी लेता है। ये चैनल बना हुआ है और अब 10% कहता है जीएसटी में पैसा ठेलाता है। इस तरह से उस योजना का 50 से 55% लूट हो जाता है और योजना 2 महीना में टूट के ख़त्म हो जाती है। सरकार की घोर बदनामी हो रही थी, सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए टेंडर सिस्टम कर दिया, वो भी गलत हुआ, 15 लाख किया, यहाँ तो 1500 का भी टेंडर कराना चाहिए, क्योंकि सब लोग 15 लाख के नीचे का योजना पास करने लगेगा घूस लेकर। और फिर ये जब पास किया कैबिनेट ने, तमाम जो मुखिया लोग थे तिलमिला गए और पंचायती राज के जो मुखिया हैं केदार गुप्ता जी, उनके समक्ष पहुँचे और इन्होंने तुरंत सिफारिश कर दिया मुख्यमंत्री जी को, चुनावी समय है ना, 1 साल का समय है, इनको लगा कि सब मुखिया विरोध कर देगा। लेकिन हम गुप्ता जी को समझाना चाहते हैं, मंत्री जी को, केदार गुप्ता जी को, कि आप किसी गाँव में चले जाइए, केदार गुप्ता जी मुखिया रहे हैं, केदार गुप्ता जो मंत्री हैं वो पूर्व मुखिया रहे हैं, सुमेरा से, कुरहनी से, डुमरी से, और उनको जानना चाहिए जहां मुखिया किसी पार्टी का वोट देने का प्रचार करता है जनता उसके खिलाफ हो जाती है, ये पूरा सब लोग जानता है। हाँ, मुखिया जी के यहाँ दल वाला एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने वाला पैसा दे देता है, वो लोग थोड़ा बहुत पैसा गांव में बांट देता है, लेकिन मुखिया जी को लोगों को देखिए, जो साइकिल पर चलते थे आज स्कॉर्पियो पर चल रहे हैं, वो एक्सयूवी गाड़ी पर चल रहे हैं, फॉर्चूनर गाड़ी पर चल रहे हैं। ऐसा जिला में 50 मुखिया है जिसके पास फॉर्चूनर, कोई हाथी खरीद ले रहा है, कोई घोड़ा खरीद ले रहा है, और कोई कहता है कि अगला साल 50 लाख खर्चा कर देंगे। तो 50 लाख खर्चा कर देंगे तो लूटेगा कहीं से, तभी तो खर्चा करेगा। और मुखिया के चुनाव में
25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक खर्च हो रहा है। मतलब विधायक का चुनाव में खर्चा, विधायक से बड़ा चुनाव मुखिया का चुनाव होता है। महीना महीना दिन लंगर चलता है, लोग खाते रहते हैं और अच्छा लोग नहीं जीतता है। जितना चोर चिल्लर है सब आ जाता है उसमें जीत कर, और समाज को इसी तरह से गलत सड़क, गलत कुआं, गलत बाउंड्री इस तरह से बना बना के लोग लूट करके अपना जेब भरता है। इसलिए सारा लोग सड़क बना रहा है। विधायक योजना का क्या हो रहा है, विधायक जी 20% लेते हैं, 10% इंजीनियर लेता है, 10% उनका जो ठेकेदार इंजीनियर होता है वो काट लेता है 45% और 10% GST 55% उनका हो जाता है। MP साहब के योजना का भी हाल था, अजय निषाद करते थे तब, अब नया MP हुए हैं, इनका क्या कमीशन है, अब तो दलाल सब उनका जो होगा वो बताएगा। लेकिन बिना पैसा का आधा रकम उस सड़क उस योजना से चोरी हो जाता है। सिर्फ इन लोगों को हमारे समझ से मुखिया लोगों को इतना अधिकार दे कि 10,000 रुपया का इमरजेंसी कोई काम करा सके, ये बाढ़ आया, कहीं पोखर फूट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं इमरजेंसी दुर्घटना हो गई, इस तरह का काम कराने के छूट देना चाहिए। नहीं तो 1 लाख से ऊपर जितना काम हो उसका टेंडर हो। आज बिहार में टेंडर से भी सड़क बन रहा है ना, उस सड़क को 5 साल ठेकेदार को देख रेख करना है, और वो ठेकेदार देखता है, ठेकेदार मेंटेन करता है, ठेकेदार बढ़िया से बनाता है कि अगले 5 साल में न टूटे। यदि केदार गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से मेरा अनुरोध होगा कि आप जिस तरह से टेंडर वाले ठेकेदार को 5 साल मेंटेनेंस का काम करते हैं, आप टेंडर करिए न करिए, लेकिन जिस योजना से जिस पंचायत में चले जो अभी करता हो उसकी जवाबदेही हो कि 5 साल जैसे ठेकेदार मेंटेन करता है वैसे आप भी उस रोड को मेंटेन कराइए, उस योजना को मेंटेन कराइए। अभी मनरेगा में चला है काम, क्या होता है 30 दिन 25 दिन का हाजिरी गरीब आदमी के हाथ से बनता है उसके नाम पर, और मुखिया जी उसको 1,500 तारी शराब पीने के लिए दे देते हैं और शेष पैसा निकलवा के पोस्ट ऑफिस से रख लेते हैं अपने पास। या झूठ है ये, सब अधिकारी जानता है, सब लोग जानता है कि नरेगा मनरेगा का पैसा लूटा जा रहा है। हमारे यहाँ देखो मुखिया ऐसा किया, जाड़ा का महीना था, शीशों को पहन के और रोपवा दिया वो डंटी को, और 1 महीना में बिल उल हटा लिया, शीशो सब सूख गया। एक दिन मनरेगा का काम चलते हुए देखा तो हमने कहा कि हत्ता खन रहा है एगो लेबर को रोपना था, एगो को हत्ता को मून देना था, तो जो रोपने वाला है वो ऐवे नहीं किया, हत्ता खनाया हुआ रह गया, और जो बंद करने वाला था वो लेबर अपना बंद करके चला गया, पेड़ रोप ऐवे नहीं किया। संक्षेप में लेंगे, आपने कहा कि 10,000 रुपया मतलब मुखिया को देना चाहिए उसी में काम करे, तो ऐसे में तो मुखिया लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको सैलरी तो मिलता नहीं है फिर। तो जन सेवा करने जा रहे हैं मुखिया जी, जो सबसे नीचे स्तर का जो समाज सेवा है उसके लीडर मुखिया जी हैं, तो उनको कौन तनख्वाह चाहिए, उनको तो सब समाज सेवा में लेना चाहिए। 10,000 भी ज़्यादा हो गया, वो में 5,000 चाहेंगे कि खाइए जाए हम। अब मरता जो है लोग, वो क्या योजना का नाम है जिसमें कफन देता है, कबीर अंत्येष्टि योजना, उसमें 90% लोग खा जाता है पैसा, मरता है उसका लिस्ट बना लेता है और भर के बाद में उसका पैसा उठा लेता है, तत्काल कहता है कि अपना जेबी से देखियो। अब बहुत लोग नहीं हो देता है, बहुत लोग उठा के रख भी लेता है, ये अंत्येष्टि का पैसा भी कबीर अंत्येष्टि का लोग जहाँ खा जा रहा है वहाँ तो 10,000 बहुत हो गया। बिल्कुल, तो देखिए जिस प्रकार से मुखिया पर बिहार में अक्सर देखा जाता है कि आरोप लगते आ रहे हैं, चाहे वह पंचायत में काम को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो और कमीशन खोरी को लेकर हो, जिस प्रकार से योजनाएं आती है उसमें कमीशन का बंडरवाट होता है। मुख्तसर प्रसाद सिंह है, ये भी मुखिया रह चुके हैं, कितना कितना कमीशन सबका बांटा हो रहा था जब काम होता है। जनप्रतिनिधि मुखिया जी से लेके पंचायत सेवक, BDO, JE, SDO, SQT, जितने भी पद हैं, किसको कितना मिलता है यह बताना तो थोड़ा दूसरे तरह की बात है, लेकिन वह कमीशन की कुल राशि 45 से 50% होती है। 50% खर्चा, 50% कमीशन की राशि चली जाती और उसके बाद जो 50% बचता है उसमें से जो आदमी काम कराता है फिर उसका अपना कमाई
और उसके बाद योजना का क्रियान्वयन, ये स्थिति है। और ऐसा नहीं है, इसको गांव से लेके प्रशासनिक पदाधिकारी से लेके सरकार तक सभी जानते हैं। पंचायती राज में सीधा नियम है कि योजना का चयन आम सभा से होगा, जो भी योजना का चयन होगा उसका जो प्राकलन एस्टीमेट बनेगा वो फिर आम सभा में रखा जाएगा। जनता जानेगी कि कौन योजना में कितना पैसा का एस्टीमेट प्राकलन बना है, उतने पैसा का वहाँ काम होगा और काम होने के पश्चात फिर वो पैसा पास आम सभा में होगा और उसका फिर अप्रूवल कार्यकारिणी की बैठक से होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे बिहार में पंचायती राज के इस नियम का पालन नहीं होता है। आम सभा कहीं नहीं लगते हैं। कहीं भी जहां आम सभा लगते हैं वहां कागजी आम सभा होते हैं। बहुतायत जगह पर आम सभा होते भी नहीं हैं। आम सभा होते हैं ना होते हैं ये देखने के लिए पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी होते थे, अब पंचायती राज पदाधिकारी ब्लॉक से जिला तक बनाए गए हैं, कोई आदमी इसको नहीं देखते हैं। सरकार ने बीच में पंचायत में जाके जांच करने का भी आदेश निर्गत किया था, कहीं कोई जांच नहीं होता है, वो सब कमीशन से मैनेज किया जाता है। और ये सभी चीज़ों की जानकारी सब लोगों को है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सिस्टम को इसी तरह संचालित करना है और इसी तरह विकास की राशि के भ्रष्टाचार से अपना अपना राजनीति, अपना अपना दल और अपना अपना व्यवस्था चलाना है। जनता निरीह बनी हुई है, जनता भी ये सब चीज़ जान रही है, लेकिन जनता जाति धर्म में योजना के लाभ में विरोध करने पर व्यक्तिगत रूप से उसको कुछ प्रलोभन देके जनता को भी ऐसा बना दिया गया है कि सब चीज़ बिल्कुल एक शांत व्यवस्था के तहत चल रहा है। अगर टेंडर से ही काम होना है क्या दिक्कत है? सरकार का सारा काम टेंडर से हो रहा है, यहाँ भी टेंडर से काम होगा, मुखिया जी या जो भी प्रतिनिधि हैं उनके इज्जत में बढ़ोतरी होगी, वो कह सकते हैं कि मैं सरकारी राशि को नहीं कुछ करता हूँ, टेंडर से काम हो रहा है, टेंडर से काम होगा तो निश्चित रूप में काम बढ़िया होगा, गुणवत्ता अच्छा होगा, वो उसका लॉन्ग लाइफ अच्छा होगा। आखिर वो कौन परिस्थिति है कि टेंडर से काम नहीं हो इसका विरोध हो रहा है? तो ये तो स्वतः स्पष्ट है कि टेंडर से काम होने का विरोध इसलिए हो रहा है कि हमारा उसमें कमाई नहीं हो रहा है, और कमाई होने का मतलब है कि हमारा कमाई तभी होगा जब भ्रष्टाचार होगा। तो ये तो सर्व मतलब पूर्णतः स्पष्ट है। और हमारे बिहार के जो सरकार के मुखिया हैं और जो विपक्ष हैं, कहने में कोई संकोच नहीं है कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति 30 साल से हो रही है, क्षेत्रीय दलों की राजनीति ही इसी पर टिकी हुई है कि भ्रष्टाचार से जो पैसा हासिल होगा उसी से राजनीति होगी, उसी से दल चलेगा। तो इस व्यवस्था में क्या किया जा सकता है और क्या उम्मीद किया जा सकता है? बिल्कुल, तो देखिए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर जो पंचायत की विधि व्यवस्था जो है वो भी खराब रहती है जी। अभी 6 नगर पंचायत बना मुजफ्फरपुर जिला में और कार्यपालक अधिकारी बनाए गए, कांटी और साहेबगंज पहले से था। अभी नगर पंचायत की स्थिति है, भरपूर पैसा आया करोड़ों में और ट्रैक्टर खरीदा, उसमें बाल्टी खरीदा, जो स्टेशन पर बाल्टी 9 रुपया में होलसेल में बिकता है, 20 रुपया में बिकता है, उसका 250 रुपया। एक एक नगर पंचायत में 30 लाख 35 लाख का ब्लीचिंग पाउडर खरीदा गया, उसके बाद फेनाइल खरीदा गया, मिट्टी तेल खरीदा गया और कहीं छीटा नहीं गया, कागजों पर खरीद दिया। हमारे यहाँ मुरोल नगर पंचायत है, पंकज नाम का एक आदमी है जो कांटी में भी कार्य करता था, वो कंट्रैक्ट लेबर है, उसी के नाम पर सारा काम बुक हुआ, वहाँ सारा काम का पैसा निकल गया, सारा रोड भी 3 महीना में टूट गया। 35 लाख 40 लाख का हंगामा है कि लोग कह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर खरीदा, कहीं नहीं खरीदाया। वही आदमी कांटी में था, वही मुरौल में है, वही सुस्ता में अभी पोस्टिंग करा लिया, यहाँ लूट लिया, वहाँ लूट लिया, अब नया जगह लूटने गया। इस तरह इसका जो है वो माफिया का गैंग बना हुआ है 6 नगर पंचायत में, और ये लोग घूम घूम कर इसको लूटता है। कृष्ण भूषण इसके पदाधिकारी थे,
वो लूट के सब जगह से, और जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो बदली करा के चले गए। तो इस तरह से नगर पंचायत में भी महालूट है, जिस तरह से पंचायती राज में उसका कई गुना नगर पंचायत में लूट हो रहा है। उसकी तो सारी सड़कें, हमारे मुरौल नगर पंचायत की जितनी सड़कें बनी सब टूट गई। तो बिल्कुल, तो देखिए कि बिहार में जो है भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे भी देखा जाता है, जब पुल पुलिया ही बनते हैं तो वो भी बह जाते हैं, रोडें धंस जाती है। तो आखिरी सवाल है, क्या टेंडर से ही होना चाहिए पूरी तरह से? निश्चित रूप से टेंडर से होना चाहिए, हारा काम चाहे नगर पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो, 1 लाख से ऊपर का काम जितना है सब का टेंडर होना चाहिए प्रखंड स्तर पर, और जितना योजना चल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। अभी हमने लड़ाई जब लड़ा 2000 लोगों से घेरा जब मुरौल नगर पंचायत को, तो DM साहब में फोन गया और हमने स्थगित करके इनके पास आया, तो इन्होंने अभी बना दिया है जांच कमेटी, DCLR को और DDC के थ्रू ये जांच कमेटी बन रही है। ये जांच कमेटी बराबर बने, और तदर्थ कमेटी पहले बनती थी जो देखभाल करती थी कि योजनाओं का, जिसमें हारे हुए लोग भी मेंबर होते थे, आज वो सारा जो कमेटी था वो ख़त्म कर दिया गया है, और मुखिया और पंचायत समिति प्रमुख इन तमाम लोगों को लूटने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। टेंडर से ही सारा काम होना चाहिए। बिल्कुल, तो एक तरफ जहाँ पर जो मुखिया है बिहार में लगातार विरोध कर रहे, जिस प्रकार से नया नियम आया है यानी कि मुहर लगी नीतीश सरकार की, जिसके बाद से जो है मुखिया है वो सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि इस पर एक पुनर्विचार फिर से करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो और लोगों भी, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर पंचायत में अगर टेंडर व्यवस्था से अगर काम हो तो भ्रष्टाचार कम होगा और जो गुणवत्ता है वो पूरी तरह से सही रहेगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।